आज वेदर काफी अच्छा है, आज का दिन सबसे परफेक्ट है ये रेसिपी बनाने के लिए। आम दाल या टोकर दाल की रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है 150 ग्राम मसूर की दाल। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 छोटे कच्चे आम, अगर आपके पास बड़े आम है तो बड़े आम ले लो। थोड़ा सा चीनी, बिकॉज आपको पता है शुगर इज अ मैजिकल इंग्रेडिएंट। फिर हमने ले लिया यहाँ पर 2 हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च और सरसों। यहाँ पर हमारे पास है नमक, हल्दी और सरसों का तेल। सिर्फ इन्हीं कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही डिलीशियस खट्टी दाल रेडी होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने मसूर की दाल को अच्छे से धो लिया है, अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। डेढ़ सौ ग्राम मसूर दाल में हम 400 ml पानी डालेंगे। अब इसको 1 सीटी होने तक पकाएंगे। हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इस कुकर को खोल लेंगे। एक बार इस दाल को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आधा भी कुक है, इसको अभी हमें और पकाना है। तो इसमें हम और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें हम वापस से 400 ml पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने जो आम लिया है, इस आम को हमने पहले ही पानी में भिगो के रखा था, थोड़ा हल्दी लगा के, ताकि वो आम काला ना हो। अब इस आम को हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 2 हरी मिर्ची जिसको हमने बीच से काट लिया है, नमक स्वाद अनुसार। इसको थोड़ा मिला लेंगे, अच्छे से थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे जब तक ये आम पक ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा आम ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, बट दाल फिर भी थोड़ा खड़ा है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, बट हम इस तरह से खड़ा दाल नहीं खाते हैं। तो इसके लिए हम इसको बंगला में इसको दाल काटा बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो इसमें क्या करना है, आम को निकाल लेंगे और फिर दाल को हम लोग थोड़ा काटा दे देंगे। आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। अब इसमें हम आम डाल देंगे। अब इस दाल को हम थोड़े देर के लिए साइड करेंगे और हम छौंक रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे तोड़ के। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सरसों है काला हो गया। अब इसमें हम हमारे दाल को डाल देंगे। थोड़ा सा चीनी हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर ले। तो ये लीजिए हमारी आम की दाल, या फिर आप बोल लीजिए हमारे टोकर दाल रेडी।